हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान प्रियो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से रिक्वायरमेंट निकल के आई है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। किस तरह से अप्लाई करना है, कैसे इसका डिटेल दिया गया है, सारे डिटेल में हम लोग देखेंगे जो भी उसका नोटिफिकेशन में दिया गया है, उसका PDF में जो दिया गया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को और उसका नोटिस को डाउनलोड करके देखते हैं कि क्या क्या डिटेल है, किस तरह से इसको अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन रेंज है, क्या सैलरी रेंज है, ये सब बात करते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दुई दिया गया है। तो इसी की तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकल के है, जिसका लिंक हो जाता है dnh.nic.in। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जॉब एंड वैकेंसी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह से इंटरफेस सामने आ जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, दादर एंड नगर हवेली की तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकल के आया है, तो उसके सामने लेटेस्ट में क्लिक कर देंगे तो इस तरह से इंटरफेस सामने आ जाएगा, जहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो रिक्वायरमेंट निकल के आई है, यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट में दे दिया गया एडवर्टाइजमेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद टीचर, ट्रेनर, ग्रेजुएट टीचर, इस तरह से दिए गए हैं काफ़ी सारे। तो इसमें मैं व्यू पे क्लिक करूँगा तो एक PDF डाउनलोड होकर सामने आ जाता है, जिसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। और देखिए, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर एंड नगर हवेली स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड सिलवासा दिया गया है। डेट है 25/1/2020, ये एडवर्टाइजमेंट का नंबर है। थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे एक टेबल मिल जाता है काफ़ी बड़ा। इस टेबल पे हम लोग को क्या क्या मिल जाते हैं, पहला है सीरियल नंबर, फिर पोस्ट का कोड, पोस्ट नेम दिया गया है, साथ ही साथ सैलरी वगैरह भी दिया गया है, कितना वैकेंसी है वो चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा, और क्वालिफिकेशन रिलेटेड यहाँ से मिल जाएगा, और ये एज लिमिट लास्ट वाला में दिया गया है। तो पहला वाला पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के लिए देखिए 8 लेवल के आधार से सैलरी रहेगा, यानी कि 47,000 से लेके 1,51,100 तक दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए PB प्लस ग्रेड पे दिया गया है, यहाँ पे RS कितना दिया गया है, 4,800 दिया गया है इसका ग्रेड पे। इसका टोटल वैकेंसी दिया गया है 101,101 दिया गया है, जिसमें से कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। जनरल के लिए 36 है, SC के लिए 19 है, ST के लिए 7 है, OBC के लिए 31 है, और EWS के लिए 8 दिया गया है। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में, या तो फिर और में देखिए क्या दिया गया है, ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 50% मार्क में दिया गया है। इसमें बीएड मांगा गया है और BSc बीएड मांगा गया है, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एज जो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम ये चीज़ दिया गया है। इसी तरह से दूसरा वाला असिस्टेंट टीचर हाई स्कूल के लिए दिया गया है, देखिए 7th लेवल में सैलरी है 47,600 से लेके 1,42,400 तक सैलरी बन जाता है, 125 वैकेंसी टोटल है इसमें। ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इसमें भी मांगा गया है और में भी देखिए दिया गया है BA, उसके बाद BSc BEd दिया गया है, 4 साल का जो रहेगा यही क्वालिफिकेशन है। आगे हम लोग देखते हैं और कुछ कुछ दिया गया है क्वालिफिकेशन। तीसरा नंबर में असिस्टेंट टीचर के लिए दिया गया है, जिसमें से 97 वैकेंसी निकल के आती है। इसमें जो मांगा गया है सीनियर सेकेंडरी 12 पास एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में, एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा एंड में दिया गया है, मतलब ये भी होना चाहिए 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन दिया गया है। ऐसा और में काफ़ी सारे क्वालिफिकेशन दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये सब में भी अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तब भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे में हम लोग का क्या दिया गया है, द डिटेल ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के लिए सब्जेक्ट एंड मीडियम वाइज एंड रिजर्वेशन आर अंडर, यहाँ पे क्या क्या देखिए दिया गया है। लैंग्वेज पहले दे दिया गया है इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, जिसमें से यहाँ पे SC ST OBC जनरल EWS टोटल दिया गया है। इंग्लिश में यहाँ पे देखिए 3 दिया गया है, SC के लिए, ST के लिए 1, OBC के लिए 2 दिया गया है, जनरल के लिए दिया गया है 6 और EWS के लिए 1 और 13 दिया गया है टोटल। इस तरह से गुजराती का भी डिवाइड किया गया है और हिंदी का भी दिया गया है। मीडियम अलग दिया गया है, देखिए क्या इंग्लिश मीडियम दिया गया है, ये हिंदी मीडियम दिया गया है। इंग्लिश मीडियम में अकाउंटेंट, बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, OT, फिजिक्स, सोशोलॉजी, एस्थेटिक्स, ये सब के लिए अलग अलग से कैटेगरी डिवाइड किया गया है। ये इंग्लिश मीडियम सेम इसी तरह से यहाँ पे हिंदी मीडियम का भी दे दिया गया है।
उसके बाद फिर गुजराती मीडियम का दिया गया है, मराठी का दिया गया है। नीचे आएंगे तो नीचे में हम लोग का फिर से यहाँ पे दिया गया है, और एक देखिए TGT के लिए यहाँ पे, इसके लिए भी सेम इसी तरह से दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, ये TGT के लिए आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अलग से फिर आ जाता है, देखिए प्राइमरी टीचर असिस्टेंट वाला सबके लिए इंग्लिश में स्टैंडर्ड 1 to 6 के लिए 14 दिया गया है, SC के लिए ST 7, 26 OBC और EWS 9, 41 जनरल के लिए, और 97 टोटल हो जाते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए अप्लीकेशन फ़ी वगैरह जो रहेंगे वो 100 रुपीज़ दिया गया है, देखिए 100 रुपीज़ रहेगा, और ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट रहेगा। ये 24 से 2020 तक पेमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्टिवेट जो हो जाएगा 25 तारीख से इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो एट यहाँ पे लिंक भी दे दिया गया है, daman.nic.in, ये daman.nic.in के अंदर ही मैं जो ये लिंक खोला हूँ dnhnic.in, इसी के अंदर ही दिया गया है। तो यहीं से सब कुछ डिटेल भी मिल जाएगी, इंस्ट्रक्शन वगैरह इसके अंदर ही, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसमें जो एग्ज़ाम होगा ये 80 क्वेश्चंस का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। देखिए एक मार्क हर एक क्वेश्चन का, एक एक मार्क रहेगा। उसके बाद नेगेटिव मार्क यहाँ पे विल बी, नेगेटिव मार्क भी रहेगा, फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क कट जाएगा। तो इसी के आधार से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का एक मार्क तो मिलेगा, लेकिन एक अगर गलत हो जाता है तो 1/4 मार्क कट जाता है, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो 1 मार्क माइनस हो जाएगा। तो यही रिक्वायरमेंट निकाल के आई है, 100 रुपीज़ अप्लीकेशन फ़ी भी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, और सैलरी वगैरह भी बहुत ही अच्छी खासी दी गई है। ज़रूर इसको अप्लाई करें दोस्तों। हम लोग मिलेंगे जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।